रिव्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पार्किंग लॉट में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग। इन दिनों लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों के लिए कार कंपनियां अलग अलग मॉडल के उनकी खुश सुविधाओं को ध्यान रखते हुए कारें बना रही है, लेकिन सेफ्टी को लेकर आज भी मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में हैदराबाद के तेलंगाना में एक इलेक्ट्रिक कार के आग लग गई है। हैदराबाद के नुमाइश पार्किंग में शनिवार को भीषण आग लगने से 3 कारें जलकर खाक हो गई है। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी भी मच गई थी और लोगों पर काबू पाने के लिए मशक्कत की जा रहा था, और मगर यह आग 5 गाड़ियों तक फैल गई थी। हैदराबाद के एक प्रमुख कमर्शियल एरिया में एबिट्स में एक अधिकारी के अनुसार यहां एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगने के बाद यह घटना हुई और बाद में 5 अन्य गाड़ियां भी उसके झांसे में आ गई। बीमारी के बाद काम पर लौटी समंथा। बता दें कि समंथा की बीमारी चलते लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि अभिनेत्री इस प्रोजेक्ट से बाहर हो सकती है, लेकिन अब समंथा के शूटिंग शुरू करने के लिए खबरों पर विराम लग गया है। शूटिंग के लंबे ब्रेक लेने के बाद समंथा ने अभिनेता वरुण धवन के साथ सिटाडेल इंडिया की शूटिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग का 2 हफ्ते का शेड्यूल है और निर्माता समंथा के फिक्शन सीरीज सिटाडेल के रूसो ब्रदर्स इंडियन रिस्पॉन्स और स्पिन ऑल का हिस्सा होने के अधिकारी घोषणा करने के लिए भी तैयार है। इस हफ्ते पहले वरुण धवन ने समंथा के साथ 4 दिन लंबे शेड्यूल की पूरी पे पूरा किया था और इसके उन्होंने कुछ हाई ऑक्टेन भी किया था और सीक्वेंस के लिए भी शूट किया था। और बता दें कि सिटाडेल रूसो ब्रदर्स बड़े प्रोजेक्ट पे रिटर्स मेडल का भी सिटाडेल एजेंट के मैच पे काम कर रहे हैं। वहाँ प्रियंका चोपड़ा को भी सिटाडेल एजेंसी नादिया सिंह के रूप में देखा जा सकता है। और सीरीज के भारतीय रूपांतरण के द फैमिली मैन के निदेशक राज और डी के द्वारा निर्देश में किया जा रहा है। समंथा की बात करें तो जल्द ही फिल्म शकुंतलम में नजर आएगी और यह फिल्म 17 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। शकुंतलम आदिवास के नाटक अभिज्ञात शकुंतलम पर आधारित है और रिपोर्ट्स की माने तो समंथा रुद्र प्रभु सिटाडेल की शूटिंग के बाद जल्द ही विजय देवरकोंडा की कुशी में सेट पर वापसी करेंगे और शिव निर्माण द्वारा लिखित यह और निर्देश में इस फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में पूरा होगा। और समंथा की बीमारी के चलते मेकर्स फिल्म का बाकी शेड्यूल पूरा नहीं कर सके हैं और इस फिल्म की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। ऑस्कर के लिए बेस्ट एक्टर के दौड़ में जूनियर NTR। RRR के मुकाबार भीख का किरदार निभाने वाले साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR के फैंस के लिए एक गुड न्यूज आ रही है। ऑस्कर 2023 के लिए फिल्म RRR के साथ साथ जूनियर NTR का भी नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर खबर के 95 ऑस्कर अवार्ड्स की जूनियर NTR के बेस्ट एक्टर कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। और एक्ट्रेस ने अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्कर अवार्ड 2023 की जूनियर NTR के नाम को बेस्ट एक्टर कैटेगरीज के दावेदार में भी चुना जा सकता है। और अभी इस बार में आधिकारिक रूप में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर जल्द आने वाली है। अवार्ड कमेटी भी फाइनल अनाउंसमेंट कर सकती है और कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन जूनियर NTR के फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए लिखा है कि यह यूजर्स उन्हें अवार्ड का किरदार अदा करना चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।